नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल जस्ट जॉब पे। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो ये है कि आप किस तरह से अपने डॉग को ट्रेन करें कि वो आपकी बात को फॉलो करे। चाहते हैं कि आपका डॉग आपकी कमांड फॉलो करे तो आपको उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ट्रेनिंग का एक प्रोसीजर होता है, एक मेथड होता है। उस तरह से अगर आप ट्रेनिंग देंगे तो डेफिनेटली बात है कि आपका डॉग ट्रेन हो जाएगा। लेकिन आप चाहें कि डॉग जो है ट्रेन 7 दिन के अंदर हो जाए, 8 दिन के हो जाए, तो दोस्तों ये इतनी जल्दी इतना आसान नहीं है। डॉग को ट्रेन करने में टाइम लगता है। आप बड़े डॉग को भी ट्रेन कर सकते हैं, छोटे डॉग को भी ट्रेन कर सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि बड़े डॉग को ट्रेन करना असंभव है, मैं उनके लिए बता दूं कि बड़े डॉग को भी इजीली ट्रेन किया जाता है। बस ये है कि बड़े डॉग को ट्रेन करने में टाइम लगता है। टाइसन सिट डाउन, सिट डाउन, सिट सिट। अब देखिए, मैंने इसको कमांड दी और ये जो है बैठ गया है। अब आपको अगर इसी तरह से सारी चीज़ें सिखानी है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ बेसिक कमांड आपको पता होनी चाहिए कि आपने डॉग को क्या क्या सिखाना है। जैसे कि अगर वो कोई गलत काम कर रहा है तो आपको सिखाना है उसको नो। अगर आप नो की कमांड देंगे तो आपका डॉग जो भी कर रहा होगा उसको नो कहने का मतलब है कि वो पीछे हट जाए, वो काम वो गलत है। तो आपके डॉग को उसी पर ओबे करना चाहिए। काम की ट्रेनिंग दीजिए, स्टे की, काम की। कि स्टे काम का मतलब ये होता है कि आपका डॉग जो भी है वो जिसकी जिज्ञासा है वो कंट्रोल कर ले अपने आप, वरना उसकी पिटाई हो जाएगी। तीसरी ट्रेनिंग होती है दोस्तों सिट की। कि अगर आपके घर में कोई गेस्ट आए हुए हैं तो आप उनको कमांड दे चलो सिट हो जाओ, तो वो आराम से जाके वहाँ पे बैठ जाए। और उसके अलावा बहुत सारी कमांड होती हैं जो आप सिखा सकते हैं, लेकिन ये बेसिक कमांड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको अपने डॉग को सिखाना कैसे है? भाई नॉर्मल सी बात है कि हम डॉग को सिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन हम मेथड नहीं जानते कि कैसे सिखाया जाता है। ऐसे सिट डाउन, सिट। तो दोस्तों डॉग को सिखाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप ये पता करिए कि आपके डॉग को पसंद क्या है। अगर आपके डॉग को नॉनवेज पसंद है तो आप ये देख सकते हैं मेरे पास ये च्यूइंग स्टिक्स हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ निकाल के। ये देखिए मैंने निकालने जा रहा हूँ, देखिए कितनी अभी आ गया। चलो पीछे हटो, पीछे हटो। ये जो च्यूइंग स्टिक है ये नॉनवेज की बनी होती है दोस्तों। आप इसको ले लीजिए, डॉग हर डॉग पसंद करता है इसको। इसको ले लीजिए और आप अपने डॉग से जो कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं। टाइसन सिट डाउन, बैठो, सिट डाउन, तभी मिलेगी। सिट डाउन, बैठ जाओ तभी मिलेगी। नहीं समझ आ रहा, बैठ जाओ, डाउन, बिल्कुल बिल्कुल डाउन, नीचे नीचे बैठो, सिर नीचे करो। चलो मिलेगी नहीं है, ये चाहिए ना, बिल्कुल नीचे बैठो। हाँ देखिए, अब आपने देखा मैंने इसे बताया नीचे बैठने के लिए तो ये नीचे बैठ गया। क्यों? उसको पता है कि ये इसकी फेवरेट है और ये इसकी फेवरेट इसको तभी मिलेगी जब ये मेरी कमांड को फॉलो करेगा। मैं इसको जो कमांड कहूंगा वो अगर ये फॉलो करेगा मैं इसको तभी ये चीज दूंगा। अब इसने मेरी कमांड को फॉलो कर लिया तो मैं इसे एक बाइट छोटा सा देने वाला हूँ। ये देखिए, इससे क्या होगा कि जो आपने कमांड दी है वो उसने फॉलो करी तो उसको ये लगेगा कि जो आपने कहा उसने वो बात मानी, इसलिए उसको इनाम के तौर पे ये चीज़ मिली है। तो हमेशा से जो आप कहेंगे फिर ये ऐसे करेगा, इस चीज़ के लिए जो भी आप कहेंगे वो ओबे करेगा, उसके बाद ही आप इसको दीजिए। दोस्तों देखिए, ये ट्रेनिंग का जो पीरियड होता है ये टाइम टेकिंग पीरियड होता है। पपी को ट्रेन करना बहुत आसान होता है। पपी जो है सिट, जंप, स्टे, ये ट्रेनिंग जो है 15 से 20 दिन में सीख जाता है, पर बड़े डॉग उसमें टाइम लग जाता है। कुछ कुछ पपी जो ऐसे होते हैं कि वो 7 दिन में सीख जाते हैं, जैसे मेरा जो टाइसन है इसने 7 दिन में सीख लिया है। लेकिन कुछ कुछ बड़े डॉग ऐसे होते हैं कि वो जल्दी से नहीं सीखते हैं। लेकिन हमें अपना पेशेंस लेवल नहीं खोना है, हमें काम रहना है बिल्कुल। और कहते हैं ना कि मेहनत करोगे तो फल तो अच्छा मिलना ही मिलना है, तो वही वाली बात है कि अगर आप जितनी मेहनत अपने डॉग पे करोगे कमांड देने में उतना ही आपका डॉग ट्रेंड होगा। ये मेरा डॉग इतना ट्रेंड है कि आप देख सकते हैं मैं इसके मुंह में हर तरह से हाथ दे देता हूँ। ये देखिए मेरा हाथ जो है इसके मुँह में, लेकिन ये बाइट नहीं करेगा। मैंने इसको हर तरह की ट्रेनिंग दी हुई है। अगर छोटा बच्चा भी मेरे घर में आएगा उसके इससे किसी भी तरह से खेल खिलंदी करेगा, ये देखिए, ये देखिए, तो ये काटेगा नहीं किसी को भी। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये देख रहे हैं आप इसको, मैं इसका मुंह किसी भी तरह से पकड़ लूँ ये कुछ भी मुझे नहीं करेगा। लेकिन आपको किसी भी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करनी है जिससे आपके डॉग को हर्ट हो या आपके डॉग को चोट लगे।
अगर आपका डॉग आपके साथ सेफ रहेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि वो आपकी हर बात को फॉलो करेगा। ये घर में और किसी की इतनी बात नहीं मानता जितनी मेरी बात मानता है। नो नहीं खानी है, ये खानी है, ये खानी है। पीछे हटो, पहले पैर पीछे करो। दोस्तों एक कमांड और है आप जो अपने डॉग को सिखा सकते हैं, वो है हैंड शेक की कमांड। आप इसको अपने हाथ में ले लीजिए और ऐसे मुट्ठी बंद कर लीजिए और डॉग के सामने रखिए, हैंड शेक करो। अब वो पहले नाक से सूंघेगा, उसके बाद जब उसको लगेगा कि नहीं मिल रही है तो वो बार बार पंजा रखेगा, तो उसको वो हैबिट पड़ जाएगी। जैसे वो पंजा हाथ के ऊपर रखे तो आप उसको छोटा सा पार्टिकल इसका दे दीजिए ताकि वो उसको खा सके। इस तरह से आप जो है उसको हैंडशेक की कमांड सिखा सकते हैं। जितनी बार भी आप फिर ऐसे करेंगे तो आपके हाथ के ऊपर तुरंत अपना पंजा रख देगा। आप कौन सा पैर उसको रखना है या कौन सा पंजा उसको रखना है वो आपको डिसाइड करना है। लेफ्ट वाले के लिए ट्रेनिंग देनी है, राइट वाले की, या दोनों के लिए भी आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। जब आप उसको कहेंगे लेफ्ट तो वो लेफ्ट देगा, जब आप उसको कहेंगे राइट तो वो राइट देगा। चलिए मैं आपका और ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आपको पूरी वीडियो दिखा रहा हूँ कि जैसे कैसे मैंने इसको ट्रेन किया था और देखिए मेरी कमांड कैसे, मेरी बात कैसे फॉलो करता है। तो चलिए वीडियो की तरफ, जहाँ मैं इसको छत पे ले जाके आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल आराम से, गुड बॉय ना, लाओ हैंड चेक करो, हैंड चेक करो, गुड बॉय, चलो गुड बॉय, वाला हैंड दो, वाला हैंड, वाला वाला, ये वाला हैंड दो, ये वाला, या नहीं ये वाला, हाँ ये वाला लाओ, गुड बॉय, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला दो, ये वाला दो हैंड, हैंड चेक, इससे करो हैंड चेक, हाँ करो हैंड चेक, नो इससे करो इससे, हाँ गुड बॉय, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल बिल्कुल शांत रहना, हैंड चेक करो, हेलो हेलो हेलो, हैंड चेक करो, बिल्कुल चुप, काम रह गया, चुप रहना ना बिल्कुल, चलो खड़े हो, स्टैंड अप, नो जंप नहीं करना है, स्टैंड अप, खड़े हो बस, आओ चलो आओ, हाँ आओ चलो आओ, स्टे स्टे, हाँ बस, गुड बॉय हो ना, अच्छे बच्चे हो ना, अच्छे बच्चे, ये खाना है जंप करके पकड़ना है, ठीक है चलो जंप, सिट डाउन, सिट डाउन, गुड बॉय, गुड बॉय,